नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आपने कोई फ्रेश वीडियो पिछले दो दिन से नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश इंदौर के बेसिकली टूर पे था। वहाँ पर जो इंडेक्स और अमलतास और एलएन इंदौर और बिंदु इंदौर है, उनसे कुछ मीटिंग्स थी, फिर आल्डी गाल्डी उज्जैन, और फाइनली कल मैं महाकाल के दर्शन किए। सो जय महाकाल, जय शिव जी। और मैं बाकी सबकी दुआ करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि सबके साथ अच्छा हो, और जो जो डिज़र्व करता है, जिसके वो लायक है, उसे वो मिले, और किसी के साथ धोखा ना हो। मेरे क्लाइंट्स हों आप या ना हो, तो ये मेरी दुआ एक्चुअली सबके लिए रहती है, अदर देन माय ओन फैमिली मेम्बर्स। अब आज पहले एक चीज़ इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे खुद के क्लाइंट ही इतने मेरा टाइम खाते हैं। आई होप कि आप अब तक समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में मोटा मोटी दो तरह के प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो और मैंने कई बार समझा लिया, लेकिन शायद मेरे समझाने में कमी है। डीम्ड इज़ नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि ये जो 320 प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें से 150 से ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड क्या होती है? जो भी डिग्री खुद देता है। बस हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली के पास MMU साधोपुर भी डीम्ड है, SGT गुड़गामा भी डीम्ड है, अल्फला भी डीम्ड है, अमृता भी डीम्ड है, MMU बुलाना भी डीम्ड है। दैट मीन्स हरियाणा के 8 में से 5 कॉलेज डीम्ड है। राजस्थान में इस तरह हैं, अमेरिकन अंदर को छोड़ के सारे डीम्ड हैं। बट इन सब में से जो MCC काउंसलिंग में आ जाता है, उसको हम जनरली डीम्ड बोलते हैं। तो दो तरह के कॉलेज हो गए, एक जो राज्य के कॉलेज है, एक है जो केंद्र सरकार के कॉलेज है। केंद्र सरकार के कॉलेज गिन के 51 है, 51। मैं सरप्राइज हूँ अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने शायद हमसे गलती हो जाती है, हम इसे कॉमन मानते हैं। तो मैं आपको ना धीरे धीरे आज वो पूरे 51 कॉलेज की ना लिस्ट बताने वाला हूँ। तो आपको पता है कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ को एडिट करता ही नहीं हूँ, तो उस वजह से ना शायद आपको जानकारी नहीं मिलती, और जो शायद मेरे लिए ऑब्वियस था, वो आप लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं है। मेरी गलती है, क्योंकि हमारे तो रोज़ का काम है। तो ये 51 कॉलेज है गिन के, जो एक तरह से केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इन 51 कॉलेजों में राज्य का कोई दखल नहीं होता, कोई कोटा नहीं होता स्टेट का। 85% सीटें इन कॉलेजों में होंगी सब भारतीयों के लिए, 15% होगी NRI, फर्स्ट ब्लड रिलेशन, सगा चाचा ताऊ बुआ मौसी मामा। ये 51 कॉलेज हैं, नॉर्थ से शुरू करता हूँ। दिल्ली में एक ही है हमदर्द, हरियाणा में दो हैं MMU मुलाना, अमृता फरीदाबाद, एक UP में है संतोष गाजियाबाद, 4 हुए ख़त्म। उधर से जाओगे आंध्रा में एक मिलेगा गीतम, 5, 2 उड़ीसा में कलिंगा और अजुमै सोम, 7, ठीक, एक गुजरात में SKBS वडोदरा, 8, एक केरल में अमृता कोची, 9। इनके अलावा 4 पौंडेचेरी में, आरुपाडू, महात्मा गांधी, श्री लक्ष्मी नारायण, विनायक मिशन कराईकल, कितने हो गए 13, क्लियर। इनके अलावा ये सारे जो डीप, ये जो MCC वाले कॉलेज हैं, ये 3 स्टेट में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में एक भी कॉलेज नहीं है, और यहीं पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है। महाराष्ट्र के बताऊँ तो भारतीय पीठ पुणे, भारतीय सांगली, DY पाटिल पुणे, नवी मुंबई, कोल्हापुर, MGM नवी मुंबई, MGM वाशी, MGM औरंगाबाद, सिम्बोसिस पुणे, कृष्णा कराड, और सबसे मशहूर है PMS लोनी। सिम्बोसिस पुणे मैंने बोली दिया, कृष्णा कराड, दत्ता मागे नागपुर, JLN दत्ता मागे वर्धा, ठीक है। फिर आ जाओ तमिलनाडु, तो आप सुनते ही होंगे भारत, चेटीनाड, मीनाक्षी मेडिकल, सविता, श्री सत्यासाई, बालाजी, ललिता मंगलाई, रामचंद्रा, SRM, वेल्स और विनायक मिशन। अब आते हैं लास्ट में कर्नाटका, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। क्योंकि कर्नाटका ही एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसमें बहुत सारे ये वाले कॉलेज हैं, 51 वाले, और बहुत सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और ये एकमात्र स्टेट ऐसा है जिसमें स्टेट प्राइवेट कॉलेजों में गार्जियन NRI चलता है। तो पहले ना कॉलेज की लिस्ट दोबारा नोट कर लो, जो MCC में आती है। इस लिस्ट में आती है 51, ये हैं BLDE बीजापुर, JLN KLE जिसको बोलते हैं बेलागावी, इन्हीं की एक ब्रांच है JGMM हुबली, JSS मैसूर, KS हैगड़े मैंगलोरू, कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, राज राजेश्वरी बेंगलोर, श्री देवराज उर्स SDU कोल्लार, श्री सिद्धार्था तुमकुर, उसी की एक ब्रांच है श्री सिद्धार्था टी बेगूर, जो कि बेंगलोर के बगल में, और एक यनपोया मैंगलोर। ये जो कॉलेज हैं, इनमें ब्लड रिलेशन चाहिए। उसी कर्नाटक में अगर आप कैंपेगौड़ा में, वेदेही में, MS रामया में, सप्तागिरी में, BGS में, अंबेडकर में, आकाश में, ऑक्सफोर्ड में, फादर मुलर में, इन सब में जाना चाहोगे तो गार्जियन NRI चल जाता है। इन सब कॉलेज की सीट जो मैंने पहले नाम लिया, BLDE बीजापुर, JSS मैसूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
ये MCC कराएगा जो सबसे पहले चालू होगा, जिसको ऑल इंडिया काउंसलिंग बोलते हैं, कर्नाटका के जो स्टेट प्राइवेट कॉलेज हो गए, जबकि वो उसके अंदर भी काफ़ी सारी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिजोरम में भी अपने आप में डीम यूनिवर्सिटी है, उससे काउंसलिंग कर्नाटका स्टेट करवाता है, जिसको हम KEA बोलते हैं, KEA मतलब काउंसलिंग कमेटी का नाम है, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, और उसमें चल जाता है NRI गार्जन। अब मैं ही बोल रहा हूँ उसमें चलता है, तो मेरे वीडियो किसी को सुनने को बोलते हैं, सर आप इन्होंने तो कहा था कि कर्नाटका में NRI गार्जन चल जाता है, तो हमने KLE के लिए भी बनवा लिया, हमने KSA के लिए बनवा लिया। तो भाई फ़र्क समझो, ये 51 की लिस्ट बहुत कॉमन लिस्ट है, इसको ऑल इंडिया MCC काउंसलिंग लिस्ट बोलते हैं, एग्जैक्ट 51 कॉलेज हैं। आपकी जानकारी के लिए दोबारा नाम ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कन्फ्यूजन है ना, मध्य प्रदेश में एक भी कॉलेज नहीं है लिस्ट में, तो वहाँ जो भी है सारे स्टेट के कॉलेजेस हैं, आपको पता है गार्जन NRI चल जाता है। महाराष्ट्र में क्या है, कोई स्टेट में NRI सीट है ही नहीं, और महाराष्ट्र वैसे भी क्लोज स्टेट है पूरी तरीके से, वहाँ पर एक महंगी सीट है ओ कोटा जिसको बोलते हैं। तो कर्नाटका ही है जिसमें आप लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ये जो 10 कॉलेज हैं, 11 हैं गिन के, BLDE बीजापुर, KLE बेलागावी, उन्हीं की ब्रांच JGMM हुबली, JSS मैसूर, KS हेगड़े मैंगलोर, कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, राजरेश्वरी बेंगलोर, SDU कोल्लार, श्री सिद्धार्था टुमकूर, श्री सिद्धार्था टेबिगुर और यनोपोजा। इन कॉलेजों में अगर जाना है NRI सीट के लिए तो फर्स्ट ब्लड चाहिए ही चाहिए। अब लोग कहते हैं सर कोई और बंदा कह रहा है मैं मैनेज करवा दूँ, भाई करवा लो, हमारे पास बताओ, हम वो काम नहीं करेंगे कि अगर आपका पेपर अटक गया, MCC पेपर अटक गया, आपके पैसे डूब गए, तो कैसे आपका पेपर पास हो गए, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद किसी आपके पड़ोसी स्टूडेंट ने कंप्लेन कर दी आपकी कि इसका तो फर्स्ट ब्लड है ही नहीं है NRI सीट में, और आपका ज़िंदगी कैरियर ख़राब हो जाए, क्योंकि इस काउंसलिंग कमेटी का रूल क्लियर है, जो मैंने 2 दिन पहले आपको वीडियो में बताया है कि फर्स्ट ब्लड चाहिए। तो पता नहीं आप लोगों को क्या है, और मैंने यही कहा अगर फर्स्ट ब्लड नहीं है तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, ज़रूरी है कि इन्हीं 10 कॉलेजों में पढ़ना है, यहाँ कौन सा फ्री में पढ़ाई हो रही है, जब 1.5 करोड़ पे यहाँ खर्च करने वाले हो तो और भी बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे भाई, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, यहाँ तभी जाओ जब फर्स्ट ब्लड तुम्हारे पास हो। आई होप इट इज़ क्लियर फाइनली, और मैं अपने क्लाइंटों को भी भेजने वाला हूँ कि भाई इसको दोबारा सुन लो, हर रोज मुझे फ़ोन मत किया करो इस बारे में। हैव अ नाइस डे, हमसे संपर्क करना चाहे 9643362320, टेक केयर, बाय बाय।